हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कोड टैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एचटीएमएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर का वीडियो है दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मीडिया के बारे में। दोस्तों, एचटीएमएल मीडिया क्या होता है, एचटीएमएल वीडियो, एचटीएमएल आईडियो, ये सारे बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फटाक से आ जाता हूँ अपने फाइल में। मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी फाइल में आ गया हूँ और राइट क्लिक करूंगा और शो मोर ऑप्शन पे जाके ओपन विद कोड करूंगा। दोस्तों, मैं अपना बीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी नॉर्मल सा ओपन कर लीजिए और चलते हैं फटाक से। यहाँ पे बिना कुछ देरी किए फाइल बना लेते हैं, वीडियो डॉट एच टी एम एल। मैं यहाँ पे फटाक से फाइल बना लिया, वेट थोड़ा सा टाइम लेगा और चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, आप लोग को प्रॉपर देखे। और यहाँ पे चलते हैं हम अपने कोड, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं पहले थ्योरी पार्ट क्या होता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंदर ना दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, इमेज, म्यूजिक, साउंड, वीडियो, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, एनिमेशंस और भी चीजें ना दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एचटीएमएल टैग के अंदर। बट हाँ दोस्तों, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। जहां पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ एचटीएमएल ये तीन ही चीज को सपोर्ट करता है, MP4 को, WebM को एंड OGG को, बस दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको यूज कैसे करना है। मान लीजिए मीडिया, आपने यहाँ पे मीडिया में क्या क्या आया, हमारा वीडियो, ऑडियो प्लगइन भी आता है और यूट्यूब भी आता है। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो ही टॉपिक को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा वीडियो और दूसरा ऑडियो। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाक से यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद वहां चल के पेस्ट करूंगा और आपको एक एक कोड को मैं समझाता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे वीडियो टैग के। तो आप लोगों को पता ही है कि वीडियो टैग क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो टैग मैंने लगाया और यहाँ पे विथ दे दिया, मतलब कि जो वीडियो हमारा दिखना चाहिए वो 400 के विथ में दिखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे कंट्रोल्स क्या काम कर रहा है वो बता देता हूँ मैं आपको। पहले कंट्रोल्स यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, आपको नॉर्मल सिर्फ इतना ही दिखाता हूँ। ओके, कंट्रोल्स मैंने यहाँ पे रिमूव किया और उसके बाद यहाँ पे एक सोर्स एलिमेंट लगाया दोस्तों, जिसके अंदर मैंने ये SRC पाथ देना होता है दोस्तों इसके अंदर। तो इसमें ये पाथ हम लोग दे देते हैं। हम लोग मैंने एक IMG फोल्डर के अंदर एक वीडियो रखा हुआ है दोस्तों, तो मैं एंटर करता हूँ और वीडियो का पाथ दे देता हूँ। और यहाँ पे आपको टाइप दे देना है कि वो वीडियो किस टाइप में है। तो MP4 में तो MP4 दे दीजिए, MP3 में तो MP3 में दे दीजिए, जिस तरह टाइप का वो वीडियो है वो टाइप यहाँ पे आप दे दीजिए दोस्तों। ओके, यहाँ पे हमारा ये SRC हो गया। एंड देन अब यहाँ पे मैं पहले सेव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फिर चल के आपको दिखाता हूँ। वेट, ओके, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया दोस्तों। अब यहाँ पे एक वीडियो आया तो है बट ये चल नहीं रहा है ना, हमको यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दे रहा है ना, हमको यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन दे रहा है ना, हमको प्ले करने का ऑप्शन दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा दोस्तों? वो कंट्रोल की वजह से, क्योंकि कंट्रोल क्या है, हमारे हाथ में है, मतलब हमने यहाँ पे बैकएंड से हमको ये कंट्रोल करना है। लेकिन हमको यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रोल्स लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रोल लिखते हैं तो ये किसके हाथ में चले जाएगा कंट्रोल्स? ये यूजर के हाथ में चले जाएगा, जो वेबसाइट पे आपके जाके वो देखने वाला है वो उसके हाथ में कंट्रोल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे वीडियो को मैं प्ले कर सकता हूँ। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, मैं प्ले किया वीडियो को, 10 सेकंड का वीडियो। यहाँ पे मैं साउंड को इनेबल भी कर सकता हूँ, जूम भी कर सकता हूँ और इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग, SRC की बात तो हो गई दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग HRF एटीट्यूड्स के बारे में दोस्तों। जहाँ पे हम लोग देखो, SRC में भी सोर्स करके आप लोग वीडियो का यूज कर सकते हो और यहाँ पे भी एंकर टैग के अंदर भी HRF यूज करके आप वीडियो का टैग दे सकते हो। मैंने यहाँ पे IMG यहाँ पे पहले पाथ देना आपको और यहाँ पे लोकेशन लिख लेना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको ये वीडियो शो करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो आपको शो कर रहा है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है दोस्तों। आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो लगाना है आपके वेबसाइट में तो वीडियो टैग लगा दो, आपको विथ दे दो कि हाँ भाई मुझे इतने विथ में चाहिए। और कंट्रोल्स किसके हाथ में दे दो, यूजर के हाथ में देना है तो यूजर के हाथ में दे दो, नहीं देना है तो मत दो, कंट्रोल हटा दो और सोर्स दे दो। हाँ, वीडियो आपको मतलब इंसान को जाते ही वेबसाइट पे दिखना चाहिए वीडियो, या किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद दिखना चाहिए, तो ये आपको मैटर करता है। अगर आपको वेबसाइट पे आप जाते हो और चाहते हो कि कोई भी बंदा अगर मेरे वेबसाइट पे आए तो उसको सामने मेरा वीडियो दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे SRC एटीट्यूड का यूज कर लो। और अगर आप चाहते हो कि मेरा वीडियो सामने ना दिखे, कोई बंदा उस बटन पे क्लिक करे देन वो वीडियो जाके देखे, तो आप यहाँ पे HRF मतलब एटीट्यूड्स का यूज कर लो। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे
एसआर जो हमने आपको बताया था कि एसआरसी एट्रीब्यूट्स का हम लोग यूज बता दिया, एचआरएफ का, एचआरईएफ का एट्रीब्यूट्स यहाँ यूज कर सकते हो आप दोस्तों। यहाँ पे क्लिक किया लिंक पे, ऊपर और चला गया, वो वीडियो देख लिया। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे दोस्तों आईडीओ भी होता है दोस्तों। अभी आप मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों ने सोर्स लिखा, ओके एसआरसी लिखता हूँ मैं यहाँ पे बेटा, सोर्स यहाँ पे लगाया। उसके बाद अभी मान लो यहाँ पे मैं दोस्तों एक एसआरसी लगा दूंगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे एसआरसी लिखता, अब यहाँ पे आप लोग को ना क्या करना है पता है, आईडियो का वो देना है, आईडियो का पाथ देना। जैसे यहाँ पे हम लोग ने वीडियो का पाथ दिया था, वैसे आपके फाइल में जहाँ पे आईडियो का, मैं यहाँ पे आईडियो लिया नहीं हूँ दोस्तों तो आप लोग को मैं नहीं दिखा रहा हूँ। जहाँ पे आपको क्या करना है, आईडियो का पाथ लेना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने वीडियो का पाथ लिया, वैसे यहाँ पे आईडियो का पाथ लेना है। और देन यहाँ पे टाइप में क्या लिखना है कि ये आईडियो है, बट आईडियो कौन से टाइप में है वो लिख दो। यहाँ पे MP3 में तो MP3 लिख दो, MP4 में तो MP4 में लिख दो, बस आपको लिखना और सेव करना, तो ऑडियो आपको यहाँ पे शो करेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये मीडिया के क्वेरी के अंदर आप लोग को HTML वीडियो और HTML आइडियो समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लगइन के बारे में और YouTube के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने मेरे प्लेलिस्ट को बुक मार्क नहीं किया होगा तो जाइए बुक मार्क कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे देता हूँ। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।